एक और शॉर्ट नोट हम देखते हैं, डे बुक ये क्या है। डे बुक ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट है जो एग्जाम में आता है। इट इज़ अ बुक, ये एक बुक है जो गिवन टू प्रूवर, एक प्रूवर को हम देते हैं। प्रूवर क्या होता है? होम्योपैथिक मेडिसिन को जब हम प्रूव करते हैं, कोई भी नया होम्योपैथिक मेडिसिन यदि हमें प्रूव करना होता है तो हम उसके लिए क्या लेते हैं? प्रूवर लेते हैं। प्रूवर मतलब ह्यूमन लेते हैं, हेल्दी ह्यूमन लेते हैं, और उस हेल्दी ह्यूमन में हमको जो मेडिसिन प्रूव करनी है उस मेडिसिन क्या करते हैं, उस ह्यूमन को, हेल्दी ह्यूमन को क्या करते हैं, वो मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेट करते हैं या उसे वो पिलाई जाती है। तो जिस ह्यूमन को, जिस हेल्दी ह्यूमन को जो मेडिसिन पिलाई जा रही है, एडमिनिस्ट्रेट की जा रही है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रूवर बोलते हैं। तो उस हेल्दी ह्यूमन बीइंग, या हम प्रूवर की बात कर रहे हैं, उस प्रूवर को ये बुक दी जाती है। और वो बुक इसलिए दी जाती है टू राइट सिम्टम्स, सिम्टम्स को, ताकि वो सिम्टम्स को लिखे, ठीक है, व्हेन दे आर फ्रेश इन देयर मेमोरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो जब किसी मेडिसिन को हम प्रूव करते हैं, प्रूवर को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तो उस प्रूवर को एक स्पेसिफिक बुक दी जाती है, ताकि वो उस बुक में क्या करे, प्रॉपरली सिम्टम्स को लिखे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रॉपरली लिखे, और ताकि हम प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो प्रूवर को देने वाली जो बुक, जिसमें वो सिम्टम को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखता है, उस बुक को हम क्या बोलते हैं? डे बुक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग डे बुक बोलते हैं, ठीक है।